नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। संसद का 18वां सत्र का आगाज हुआ, साथ में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच तलवारें भी खींच गई। लोकसभा स्पीकर का 26 जून को चुनाव होना है। स्पीकर चुनाव को लेकर बीजेपी की अपनी रणनीति है, तो वहीं विपक्ष की अपनी शर्तें। वहीं नीट, संविधान जैसे मसले भी रार का कारण बने हैं। जहां पीएम मोदी ने सार्थक बहस पर जोर दिया है, तो वहीं सदन के भीतर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। किस तरह की रणनीति पक्ष और विपक्ष बना रहा है, क्या आरोप और प्रत्यारोप हैं और किन मुद्दों पर असहमति है, इन सभी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही बाकी सांसदों को भी शपथ दिलाई गई। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया के सामने संबोधन किया। उन्होंने कांग्रेस को आपातकाल लागू करने पर निशाने पर लिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे,
देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट यूजी पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिससे पहले दिन ही हंगामे के आसार हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं और उन्हें और कुछ समझ नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा संविधान पर हो रहे हमलों को वो स्वीकारेंगे नहीं। राहुल ने कहा कि भारत का मजबूत विपक्ष अपना जवाब जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को जवाबदेही के बिना भागने नहीं देगा। जाहिर है कि संसद सत्र में घमासान होगा, विपक्ष मसलों से सरकार से जवाब मांगेगा, सरकार का क्या रवैया होगा इस पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले विपक्षी दल को स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करा। रायबरेली के सांसद ने आज 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह संविधान पर जो हमला कर रहे हैं वो हमें स्वीकार्य नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान को हाथ में लिया। हमारा संदेश ये है कि कोई भी ताकत भारत के संविधान को छू नहीं सकती। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से 1975 में लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा और कहा कि यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है जब संविधान को नकार दिया गया था। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव तारनाथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। शांत प्रकाश जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट पर हैं, अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं। सबसे पहले इसी को लेकर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। आज जिस तरीके से 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम उसमें शुरू हुआ और उसमें जिस प्रकार इंडी एलायंस के जितने घटक हैं वो अपने हाथ में संविधान लेकर के और परिसर में ये चिल्लाते हुए दिखाई दिए कि संविधान की रक्षा करनी है, और वो भी ठीक उस दिन, यानी आज 24 जून है, कल 25 जून, आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से देश के अंदर इमरजेंसी लगाई। 19 महीने तक देश के 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को जो है जेलों में बंद करा, पूरी मीडिया के ऊपर रोक लगा दी गई है, टीवी तक पर, उस वक्त टीवी तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे मगर उस वक्त रेडियो बहुत चला करते थे, तो उस पर भी रोक लगा दी, किशोर कुमार जी के गानों पर रोक लगा दी, उनका सारा कैरियर चौपट कर दिया। जो हालात पैदा किए केवल किस कारण थे, क्योंकि 1971 में उन्होंने राजनारायण के सामने चुनाव लड़ा
और वह चुनाव उसमें उन्होंने बेईमानी की, उसमें 20,000 वोट से उन्होंने खुद को जीता हुआ घोषित किया और प्रधानमंत्री बन गई। और उसके बाद जब राजनारायण कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाकर के उनको जीत वापस मिली, 20,000 वोट की बेईमानी स्पष्ट हुई और इंदिरा गांधी जी जो अवैध रूप से जीत करके सांसद बन गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गई थी, इस कारण से जो उनके द्वारा कदम उठाए गए उस वक्त में बतौर प्रधानमंत्री, वो स्वाभाविक बात है कि एक अवैध रूप से बने हुए प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए कदम थे। अवैध रूप से जीती थी इंदिरा गांधी, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं शांति प्रकाश जाटव जी, ठीक है मैं अपना जवाब ले लेती हूँ। जो गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं शांति प्रकाश जाटव जी ने, उन पर आप जवाब दे दीजिए संजीव जी। और क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी भी कह रहे थे, जो भी आपने जो सवाल किया है उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद वापस आपके पास। सवाल नहीं किया नहीं, ठीक है ना सर, आप तो कह रहे हैं ना कि अवैध रूप से जीती थी, तो उस पर तो मैं जवाब ले लूँ ना। कम से इमरजेंसी लगी और किस तरीके से इंदिरा जी ने 42 ऐसे संशोधन प्रावधान कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बगैर किसी पार्लियामेंट की बैठक के बगैर, और उसको जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उसको 6 वर्ष का कर दिया, डिक्टेटर हो गई पूरी तरीके से। और मतलब उसको 6 वर्ष का नहीं किया, वो अनवरत चलता अगर देश के जो विपक्षी जो जो हमारे उस वक्त में जो नेता थे अगर वो इकट्ठा ना होते वापस से आपके पास आऊंगी, अनवरत चलता। ठीक है, वापस आपके पास आऊंगी, जवाब लेने दीजिए संजीव जी। जो बातें कह रहे हैं अभी शांत प्रकाश जी, जरा उस पर जवाब दे दीजिए। और इसके साथ ही क्योंकि पीएम मोदी भी आज कह रहे थे कि 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसकी 50वीं वर्षगांठ है, भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरीके से नकार दिया गया था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, देश को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरीके से दबोच दिया गया था। मैं उसी में आना चाहता हूँ रेशु जी, अगर आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं अपनी बात शुरू करूँ जी। रेशु जी, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत इस तरीके की हो गई है कि जब उनसे उन रिपोर्ट कार्ड पूछा जाता है, उस हालत उस बच्चे की तरह है जब एक बच्चे से उसका रिपोर्ट कार्ड पूछता है और उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटा आपके कितने नंबर आए, तो वो बोलता है मम्मी जो पीछे पड़ोस में लड़का है उसके वजह से कम आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर बात करनी चाहिए। आज पूरा का पूरा देश टीवी पर आके गड़ाए बैठा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीट के अंदर जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई, एनटीए ने जिस तरीके से माना, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी ने आकर के टीवी पर आकर के जिम्मेदारी ली कि हाँ हमसे गलती हुई, तो हम पूरा का पूरा विपक्ष और पूरा का पूरा देश ये चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के देश के युवाओं को संबोधित करते और उनके बात करते नीट के अंदर जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई। सर, नीट पर आएंगे ना, नीट पर आएंगे, इस विषय पर भी आएंगे, लेकिन अभी तो जो बातें यहाँ पर कह रहे थे शांत प्रकाश जाटव जी, पहले उस पर तो जवाब दे दीजिए ना, अभी तो आपातकाल की बात चल रही है। मैंने उसी के ऊपर तो आपको पहले अपने वक्तव्य में जवाब दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी की हालत उस बच्चे की तरह होगी जिसके अपने खुद के नंबर कम आया तो वो ये बोलता है कि जी मेरे से पीछे जो बच्चे हैं उनके नंबर भी तो कम आए हैं। बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल की हो रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी अब पिछले अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने मिली जुली सरकार बनाई है उसको लेकर के बात हो रही है। अच्छा ठीक है, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, आप 10 साल की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि 50 साल पुरानी इमरजेंसी याद है लेकिन पिछले 10 साल का अघोषित आपातकाल याद नहीं है। खड़गे क्योंकि आज इस बात को कह रहे थे और प्रधानमंत्री पर वो निशाना भी साधते हुए नजर आए, लेकिन आप ये बताइए कि ये अघोषित आपातकाल क्या होता है, क्या किसी नहीं बताइए ना, क्या किसी निर्वाचित सरकार के कार्यकाल को अघोषित कार्यकाल कहकर आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं या उसका सामान्यकरण कर रहे हैं? सुनिए सुरेशो जी सुनिए, मैं अपनी बात की जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आकर के जनता से माफी मांग सके, जो उन्होंने देश के युवाओं के साथ किया, जो उन्होंने किसानों के साथ किया, जो उन्होंने देश की महिलाओं के साथ किया, आकर के हिम्मत है माफी मांगने की। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि जब इमरजेंसी लगी थी आपको उस बात का पछतावा है, तो राहुल गांधी जी ने कहा था वहां पर कि हाँ
हमें इस बात के लिए गलती, हाँ ये हमसे गलती हुई, गलती मानने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दे सके? शांतका जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, क्योंकि अतुल यादव जी के पास भी जाना है। 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी ना रिशो जी, तो ये महंगाई कम करने के लिए आई थी। ठीक है शांत प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि अगर आपातकाल लगाया गया था तो राहुल गांधी ने इस पर माफी भी मांगी है। राहुल गांधी जी ने माफी मांगी है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर के जिसको इन्होंने 50 साल पहले जर्जर स्थिति में पहुंचा दिया, देश को जर्जर स्थिति में पहुंचा दिया, आज वो जो है ना उस किताब को लेकर के उसका अपमान नहीं कर रहे क्या? आपने उस संविधान को हाथ में लेकर के जिसको 50 साल पहले आपने जो है तिरस्कृत किया, उसको खंडित किया, आप उसको लेकर के हाथ में उठाने की योग्यता कहाँ से आ जाती है आपके अंदर? आप किस तरीके से ये सोच सकते हैं कि देश की जनता आपके द्वारा उस उठाए हुए संविधान को जिसको आपने 50 साल पहले जर्जर स्थिति में पहुंचा दिया आप उसकी रक्षा करेंगे? और पिछले 10 वर्ष की बात मुझे केवल एक उदाहरण है जिसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हरफ पर जो है हमारी सरकार ने किसी भी तरीके का हलंत या विसर्ग या फुल स्टॉप लगाया हो। किस प्रकार आप जो है ना जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार के आप दस्तावेज देकर के, गारंटी कार्ड देकर के, हस्ताक्षर करके, एक प्रोमिसरी नोट देकर के कि हम 1 लाख रुपए महीना देंगे, यूं आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उस किताब को हाथ में लेकर के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, मणिपुर के बारे में बात करने की, मणिपुर आपकी विफलता नहीं है, केंद्र में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है, मणिपुर के अंदर जिस तरीके से 3 महीने तक मणिपुर जलता रहा, आज भी मणिपुर जल रहा है। आरएसएस ने कहा कि मणिपुर के अंदर जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की गड़बड़ नीतियों की वजह से हुआ। आप माफी मांगेंगे इस बात को लेकर के? अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के बारे में कुछ कहिए ना। 10 साल का देखिए 10 साल का रिपोर्ट कुछ कहेंगे, जो रेल हादसा हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे, बट नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, उस बच्चे की तरह बात करते हैं जो कहता है कि जी पड़ोस का जो लड़का है उसके नंबर भी तो कम आए हैं। ठीक है मैं आऊंगी आप दोनों के पास वापस, मैं सर आऊंगी वापस आप दोनों के पास। ठीक है सर, वापस से आऊंगी। एक और अतिथि हमारे साथ है, उनको भी कुछ बोलने दीजिए ना सर, आप ही के सहयोगी हैं संजीव जी, उनको भी बोलने दीजिए। ठीक है सर, वापस से आऊंगी आप लोगों के पास मैं, क्योंकि अतुल यादव जी जिस बात को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है, 10 साल का अघोषित आपातकाल याद नहीं है बीजेपी को, खड़गे ये कह रहे हैं, इस पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। और इसके साथ ही, क्योंकि अखिलेश यादव के एक हाथ में आज संविधान की पुस्तक थी तो दूसरे हाथ में उन्होंने अयोध्या से अपने नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अयोध्या में बीजेपी की हुई हार के जख्मों को फिर से भुनाने की कोशिश में थे क्या अखिलेश यादव? देखिए ऋषि त्यागी जी, देश में जो संविधान है, हम संविधान बदलने की बात जो है ना चुनाव के समय भाजपा के सांसदों द्वारा की गई थी, संविधान की रक्षा की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई थी, और आज हमने संविधान बचाने के लिए संविधान की प्रतियों के साथ हम लोकसभा के मंदिर में पहुंचे, और 18वीं लोकसभा के मंदिर में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे, और अयोध्या भी एक संविधान का यही एक उदाहरण है कि हमारे एक सांसद जो कि अयोध्या में, ये लोग किसकी बात करते थे, मंगलसूत्र की बात करते थे, संविधान को बदलने की बात करते थे, संविधान के संदर्भ में बहुत अच्छी बातें नहीं करते थे। तो ये सब चीजें देखने को मिली प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आज सुबह जो वक्तव्य दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो वक्तव्य दिया गया, ये पुरानी बातों को क्यों दोहराते हैं? क्योंकि ये नई बातें करना नहीं चाहते हैं, विकास से बात नहीं करना चाहते हैं, ये 75 साल की बात करेंगे, 50 साल की पुरानी बातें करेंगे, जिनको 50 साल पहले क्या किया गया था उनके संदर्भ में जनता ने उनको सजा दे दी थी उसी समय। तो आप भी तो पुरानी बातों को कर रहे हैं ना, अब लोकसभा चुनाव के समय जो प्रचार प्रसार किया गया है ना, आप उसी बात को अभी भी लगातार कर रहे हैं, और आपको तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला है ना, आपकी तो सीटें बढ़ी है अतुल यादव जी, आपकी तो सीटें बढ़ी है ना, आप भी लेकिन उन्हीं बातों को लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, आज ये बताइए, क्योंकि जनता के बीच में हम ऋषि त्यागी जी, हम जनता के बीच में गए थे कि संविधान से छेड़खानी नहीं होने देंगे, संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान की हम रक्षा करेंगे, और संविधान की प्रतियों के साथ हम लोकसभा के
मंदिर में या सदन में गए और हमारे सांसद सभी जो हैं वो अपने संविधान की रक्षा के लिए चुने गए हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पीएम मोदी ने आज संसद सत्र शुरू होने से पहले कहा कि देश को एक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है और जो सांसद जीत कर आए हैं वो जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। जो उम्मीदें आपसे एनडीए को हैं, क्या विपक्ष के सांसद पूरा करने में सहयोग करेंगे? सपा के सांसदों की तो संख्या वैसे भी इस बार काफी अधिक हो गई है। देखिए, हमारे जो सांसद हैं सभी के सभी जो हैं संविधान को मानते हैं, देश को मानते हैं, देश के और जनता के द्वारा चुनकर के आए हैं। हम जो हमारी विपक्षी भूमिका है उसको भी निभाएंगे, जो सकारात्मक कार्य होंगे उसको भी हम सराहेंगे, लेकिन संविधान के साथ छेड़खानी करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। ठीक है शांत प्रकाश जी, क्योंकि 18वीं लोकसभा के पहले दिन संसद पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर सवाल यहां पर उठाए हैं और पेपर लीक पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकारों में हमेशा से पेपर लीक हुए हैं, जवानों को नौकरी ना देनी पड़े इसलिए बीजेपी पेपर लीक करा रही है, करोड़ों परिवारों के साथ बीजेपी ने सिर्फ धोखा देने के अलावा कोई कार्य नहीं किया, इस पर भी जवाब दे दीजिए। देखिए, आज जिस प्रकार से पहला दिन था और तमाम सांसद सभी पक्षों के जिसमें अधिकांश काफी बड़ी संख्या में जो है नौजवान और पहली बार वो सांसद वो पार्लियामेंट में पहुंचे थे, मैं समझता हूँ कि आज के दिन एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबको इकट्ठा रहना चाहिए था। पूरा समय इसी प्रकार से जो है ना पक्ष विपक्ष की बातें चलने वाली हैं, मगर एटलीस्ट जो है पहला दिन सब एक सौहार्द के साथ उसमें कार्यक्रम में शामिल होते और वहां पर जो है एक रचनात्मक तरीके से आगे बात करनी है कि जिस नीट की बात कर रहे हैं, परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, कब मना करा धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं देंगे, हर एक बात का जवाब देंगे, सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, जहां नियमितताएं हुई हैं उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उसका जवाब परसों के बाद में देने वाले हैं ना, वो पहले पहले दिन ही आप जो हो उसको लेकर के उत्पात करना किस आखिर कारण क्या है? आज शपथ लो, आज शपथ लेकर के आपस में एक दूसरे को बधाइयां दो और बधाइयां देने के बाद उसके बाद में परसों से कार्यक्रम शुरू होगा, देश के लिए काम करेंगे, कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए कहीं कोई हमारी सरकार उस काम को करने के लिए मना कर रही है क्या? आप सब लोगों के साथ मिलकर के काम करना है, मगर आप कम से कम इस प्रकार की बातें कह करके पहला पहला दिन आप लोगों ने जो है ना देश की दुनिया को क्या दिखाया, देश को क्या दिखाया, अपने सांसदों को क्या दिखाया, 24 लाख जो वो करते रहना, किसने मना करा? संविधान लेकर के वहाँ पर भी जो शपथ लेनी थी वो संविधान की शपथ देनी थी। आप भी तो देखिए ना, अगर पहला दिन आप इन लोगों के लिए कह रहे हैं तो पहले दिन आप भी तो 50 साल पुरानी इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं ना, आप भी तो बातें कर रहे हैं। किताब लेकर के उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जिसको इन्होंने तार तार किया 50 साल पहले, ये वहाँ पर जाकर के खुद ही इनको भूखी खानी पड़ी, वहां पर जाकर के जिस तरीके से दिखा रहे कि इसकी रक्षा करनी है, जिसको हमने कभी भी नहीं टच किया उसी को लेकर के हम काम करते हैं, और ये अननेसेसरी एक झूठ किस लिए जो है ना इस प्रकार का झूठ, जिस संविधान को आपने खुद जर्जर स्थिति में किया था 50 वर्ष पहले, कल 50वीं साल हम मनाने जा रहे हैं काले दिवस के रूप में, तो आप खुद जो है ना उस किताब को लेकर के जिसका आपने अपमान किया आप उसकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं। रेशु त्यागी जी, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुबह आते आते विपक्ष पर ही कटाक्ष किया गया, विपक्ष को अगर एक पार्टी के ऊपर कटाक्ष किया गया तो संजीव जी के बाद आपके पास जी, एक पार्टी के ऊपर कथन किया गया, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, हालांकि वो अच्छा जवाब दे देंगे, मैं फिर भी जवाब दे रहा हूँ इंडिया गठबंधन की तरफ से कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आज तक चुनकर के आए थे, अच्छी बात रखते, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात रखते, लेकिन 50 साल 75 साल 100 साल उनकी बात कही जाएंगी कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये सोचना चाहिए कि देश में चार साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने तार तार किया वो सही किया था क्या? मंगल सूत्र मांग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, क्या 50 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो परिवर्तन किए गए थे इंदिरा जी द्वारा, क्या वो सही थे? आप उससे सहमत हैं?
आप चाहते हैं कि एक सेकंड शांत प्रकाश जी, आप चाहते हैं कि विपक्ष आपका सहयोग करे, जो भी मुद्दे सदन के भीतर आते हैं विपक्ष आपके साथ रहे, लेकिन आप पुराने मुद्दों को उठाते रहेंगे तो कैसे वो आपका साथ देंगे? के साथ सहमत है? केवल मुझे इतना बताने का कष्ट करें। मैंने ये कहा कि हम, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताएं। 50 साल पहले जो प्रकरण हुआ था संविधान, जिसको आप हाथ में लेकर के आज संसद भवन में खड़े थे, आप उसमें 50 साल पहले जो संविधान तार हुआ था उस प्रकरण के साथ में है या नहीं, जिसके लिए मुलायम सिंह यादव 19 महीना जेल में रहे थे? देखिए, मुझे बताएं क्या वो ठीक था? सरकार के द्वारा जिन्होंने सारी बहस यही कर लेंगे, कुछ संसद के लिए भी छोड़ दीजिए, कुछ बहस वहाँ पर भी करिएगा, कुछ मुद्दे वहाँ के लिए भी रखिएगा, या सारी बहस यही पर कर लेंगे? तो सदन में सार्थक चर्चा हो, प्रधानमंत्री ने ये कहा है, लेकिन विपक्ष कितनी सार्थक चर्चा करेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष ने तो आज से ही एनडीए को घेरना शुरू कर दिया है। और हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आपका भी स्वागत है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर संजीव तारनाथ जी आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, और संसद में इस बार मजबूत होकर आप आए हैं, आपका असर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर भी दिखाई दे रहा है, विपक्ष के रूप में आपकी आवाज मजबूती से उठे, ये तो संसद के लिए अच्छा है, लेकिन क्या कार्यवाही से खुद को अलग करना समाधान है, जैसा आपने किया कि नामित सांसद प्रोटेम स्पीकर की सहायता को नहीं जाएंगे? संजीव जी, देखिए रेशो जी, पहली चीज हमें इस कहानी के ना दूसरे पहलू पर भी जाना पड़ेगा। सिर्फ विपक्ष को हर बार कोसने से कुछ नहीं होने वाला, ये भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष को इस तरीके का कदम क्यों उठाना पड़ा। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की जब कार्यवाही होती है और प्रोटेम स्पीकर जब बनाया जाता है तो संविधान के अंदर और हमारा जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं उसके अंदर एक रूल्स फ्रेम किए गए हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा और उसके बाद उनका साथ देने के लिए कौन कौन से सांसद जो है वो निर्वाचित करता है हमारे देश के राष्ट्रपति। तो जब उसके अंदर गड़बड़ियां सामने आएंगी और भारतीय जनता पार्टी चीजों को किसी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? जब आप विपक्ष की बात अंदर चलने ही नहीं देते तो विपक्ष बाहर आकर के प्रदर्शन नहीं करेगा, बॉयकॉट नहीं करेगा तो क्या करेगा? पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का काम किया, समाज के हर तबके के साथ अन्याय करने का काम किया, तो जो हमारा विपक्ष है वो क्या करे? आप बताइए ना, पहले जब था, पहले विपक्ष की बात करता, मीडिया विपक्ष को कोसता था कि विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा, विपक्ष ये नहीं कर रहा, विपक्ष वो नहीं कर रहा, विपक्ष को सीख लेनी चाहिए, विपक्ष ये करे। जब विपक्ष मजबूत होकर के सामने आया तो मीडिया को भी विपक्ष का सामना देना चाहिए और एक न्यूट्रल पोजिशन पे आकर के सवाल जवाब करने चाहिए। आपको नहीं लगता कि देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ नीट, जिसमें 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने मेहनत करके एग्जाम लिया, लिखा, उसके बाद उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं? जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तब एनटीए आकर के बोलता है जी हमने ग्रेस मार्क्स जो है वो हटा दिए। विषय भटक क्यों रहे? अरे तो आप भी आज के विषय में बात कर रहे हो, आप भी आज के विषय बात करी, आपने पिछले 50 सालों की बात करी, आप भी बातें हुई नहीं रही है, बातें हुई नहीं रही है। और देखिए, पहले भी आप इस तरीके से मीडिया के ऊपर आरोप लगाते थे, मीडिया को कोसते रहते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए सदन के भीतर आप ही लोगों को बैठना है, कोई मीडिया वालों को तो वहां पर जाकर कोई बहस नहीं करनी है ना। देखिए रेशो जी, पहली बात मीडिया के ऊपर किसी तरीके के आरोप नहीं लगाए जाते, बट जिस तरीके से मीडिया हाउस बिहेव करते हैं विपक्ष के साथ, हमारा कार्य है सवाल पूछना, आप अच्छा करेंगे तो भी दिखाएंगे, आप अच्छा नहीं करेंगे तो भी दिखाएंगे, तो आप इस तरीके से डिफाइन मत करिए। इस तरीके से सबको अपना कार्य पता होता है कि किसको क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। मीडिया का कार्य मीडिया को करने दीजिए, ऐसा नहीं है ना कि राहुल गांधी ने जब पदयात्रा की तो मीडिया ने नहीं दिखाई, राहुल गांधी
कि जो छवि जिस तरीके से बनी इतनी चेंज हुई वो इस बात ना, को आपको मानना पड़ेगा कि मीडिया की वजह से ना कुछ कहता है मीडिया प्रस्तुत को दूसरे तरीके से करता है। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने ये जो बात करी वो कुछ मीडिया हाउसेस की बात करी, मैंने आपकी बात नहीं करी। नहीं तो यहाँ मीडिया की बात नहीं चल रही थी ना सर, मीडिया की बात नहीं चल रही थी, इसमें मीडिया कहाँ से आ गया? प्रोटेम स्पीकर को लेकर बात चल रही है, आप मीडिया पर आ गए। मैंने प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जवाब दिया ना रिशो जी, तो उस पर रहिए ना सर, आप इस तरीके से लगातार मीडिया को लेकर उठाने लगे सवाल, ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर, ये कोई तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछले 50 सालों की बात करते हैं तो क्या नहीं की, क्या 10 साल करके बात, क्या 10 साल को लेकर बात नहीं की? सवाल किया ना सर, सवाल किया अयोध्या की भी बात की ना, आप ही के सहयोगी बैठे थे ना, सपा के प्रवक्ता बैठे थे, सीट को लेकर बात की, तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आपको भी ये बात बोलनी चाहिए थी जब वो पूरे के पूरे डिबेट के अंदर पिछले आधे घंटे से ठीक है सर, इस बार आपके आपके सांसदों की संख्या अधिक आई है, अच्छी बात है, एक मजबूत विपक्ष है, लेकिन वो यहाँ लड़ने के लिए नहीं है ना, सारा जोर यहीं पर लगा देंगे क्या? जहाँ जहाँ मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर आपकी सहमति नहीं होगी उन मुद्दों पर आप बहस करिएगा। यहाँ बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर एक सेकंड सर, यहाँ बहस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर निष्कर्ष होना चाहिए कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ पार्टियों की रणनीति है। जवाब दीजिए, सरकार किसकी है? नहीं विष्णु जी, दो एक सवाल मेरा, छोटा सा एक सवाल है, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, पिछले 10 सालों से केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जो भी रिजल्ट या नतीजे या कंक्लूजन निकालने का काम करेगा वो केंद्र सरकार ही करेगी ना, विपक्ष तो नहीं करेगा। तो ठीक है ना सर, तो ऐसा तो है नहीं कि सवाल नहीं पूछे जाते हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये मुद्दे को ठीक है सर, मुद्दों को घुमा देते हैं ना, डिबेट को डिबेट की तरह से रहने दीजिए, कोई मुद्दा नहीं घुमाया गया, मुद्दा घुमाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। मुद्दों पे बात करिए, शांत प्रकाश जाटव जी, क्योंकि ठीक है सर, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं अक्सर उनसे सवाल करने दीजिए, फिर कहेंगे कि सब हमसे ही पूछती हैं, उनसे नहीं पूछती हैं, ये भी तो दिक्कत है ना आप लोगों के साथ। ठीक है सर, पिछले 10 साल में लोकसभा में आपके सामने क्योंकि एक कमजोर विपक्ष था, फिर भी आपको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण विपक्ष है जो आपके हर निर्णय पर आलोचना और आपत्ति करने के लिए तैयार है, आगे के सत्र की किस तरह की उम्मीद आप करते हैं? देखिए, जिस तरीके से ये कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो प्रोटेम स्पीकर के बारे में बोलना चाह रहे हैं, और बेसिकली ये वो बात नहीं बोल पा रहे क्योंकि इन्होंने कोई अध्ययन तो है नहीं, इनके एक सांसद ने आज ये बात कही। आप बताइए, आपका अध्ययन है, आप बताइए ना सर, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, तुम पीछे न रहो, सुनो। तो इनके एक सांसद ने आज कहा कि किसी शेड्यूल कास्ट को, जिस तरीके से ये अपना प्रोटेम स्पीकर जिसको रखना चाह रहे थे वो शेड्यूल कास्ट है, तो इनका कहना कि उनको अगर बनाते तो शेड्यूल कास्ट जो है वो कम्युनिटी से प्रोटेम स्पीकर और शेड्यूल कास्ट का अपना आपने अपमान किया है, इस प्रकार की बात इन्होंने कही। तो मैं इनकी जानकारी के लिए भी बता दूं और आप सब लोगों की जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि 2019 में जो हमारे प्रोटेम स्पीकर थे वो वीरेंद्र कुमार जी थे, वो अनुसूचित जाति से हैं और इस वक्त में मंत्री हैं भारत सरकार में। पिछली मरतबा जो है वो सांसद थे, इस वजह से वो प्रोटेम स्पीकर थे। तो शेड्यूल कास्ट वाली जो राजनीति है ना, ये जो कास्टिज्म की जो राजनीति की जो कोशिश कांग्रेस करती है, ये हर जगह उचित नहीं है। सही मायने में हमने प्रोटेम स्पीकर पिछली मरतबा जो है अनुसूचित जाति से बनाया था, और अनुसूचित जाति समाज का पूरा सम्मान जो है अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। आप ऐसे बोलते रहिए, आप कुछ भी बोलते रहे, आपके बोलने से कोई आप दे दीजिए ना आप बताए ना प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किस तरीके से होती है, आप इतना जवाब दे दीजिए सिर्फ। जिस तरीके से होती उस तरीके से आज हो गई। ठीक है, आप किस तरीके से वही जानना चाहते हैं, आप ये बताइए। वो कह रहे हैं, वो राहुल जी से पूछ लो, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछ लो, जिस तरीके से होनी थी उस तरीके से हो गई आज। और मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से आज हमारी सरकार जो है वो देश हित में काम करने के लिए और नियामक के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, हम उसी प्रकार से काम करेंगे। इनका आरोप ये है कि एक व्यक्ति 8 बार सांसद रहे, एक व्यक्ति 7 बार सांसद रहे,
तो फिर सात बार जो सांसद रहा है उसको प्रोटेम स्पीकर कैसे बना दिया गया? एक वजह से नहीं बने, नहीं तो बन जाते, वो गैप हो गया उनका एक। ठीक है, कोई और कारण से नहीं बने, इसलिए जो है हमारे सवाल संजीव जी आपका कोई और सवाल, क्योंकि पहले आप ही सवाल कर लीजिए वरना आपको लगेगा कि मैं इनसे सवाल नहीं पूछती हूँ। मैंने तो सिंपल सा मेरा एक सवाल है, ये अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल का ब्योरा दे दें कि 10 साल के अंदर तो देंगे, परसों के बाद देंगे, आज की एपीएन न्यूज के दर्शक पूरे देश के अंदर जो तुम्हारा जो है ना कल काला दिवस मनाने वाले हैं, जो किताब आप हाथ में लेकर के आज खड़े हुए थे, जिसको आपने 50 साल पहले तार तार किया था 25 जून के दिन, अभी तो उसके ऊपर बात करो। मेहरोत्रा जी, क्योंकि नई लोकसभा के पहले सत्र से ही विपक्ष ने जिस तरह से आपत्ति और आलोचना शुरू की है, इससे निश्चित ही सरकार को लोकतांत्रिक रूप से काम करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के मुद्दे सर आप उठा रहे हैं उससे विपक्ष की गंभीरता पर भी असर अवश्य पड़ सकता है। जैसे प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा है, इसको लेकर दोपहर में भी मैंने आपसे बात की थी, लेकिन उस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश अटव जी डिबेट में नहीं थे, जरा इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए जी, देखिए अभी शांत प्रकाश अटव जी ने कई आपके ऐसे सवाल थे जिससे जवाब नहीं दिया है कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने एक चीज पूछी, क्या आप बता दीजिए कि स्पीकर किस तरीके से नियुक्ति करनी थी, टोटल स्पीकर की किस तरीके से नियुक्ति करनी थी, तो उन्होंने कमी काटने का जवाब करा कि जिस तरीके से होती है वो आज कर दी गई, ये जवाब नहीं होता है, क्योंकि सही जानकारी लेकर के आप दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्योंकि एक सीनियर है और अच्छे प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, और आज जो हुआ और जो ये कर रहे हैं आज जीत के अंदर की प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति अपने मनमाने तरीके से करना, जो सीनियर है उसको ना ना करके आपके विपक्ष को नजरअंदाज कर देना, ये कब तक चलेगा? नजरअंदाज आप करते 2014 में आपने करा, हम लोगों ने सहन कर लिया, 2019 में करा, हम विपक्ष ने सहन कर लिया, पर 2024 में आप करेंगे, हम लोग सहन नहीं करेंगे अब, क्योंकि संख्या बल हम लोग के पास अच्छी है, इसलिए आप काम करिए। अगर आपको सरकार चलानी, हम आज भी कहते हैं सरकार विपक्ष भी मजबूत है, सरकार अगर चलाना चाहती है सरकार चलाए, पर जो सही कानून होंगे, जो सही काम होगा वही होगा, अदरवाइज आप कह रहे हैं कि सीनियर को नजरअंदाज किया गया है, हालांकि स्पष्ट रूप से सुमित मेहरोत्रा जी, क्योंकि शांत प्रकाश जाटव जी तो इस बात को यहां पर क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन किरण रिजिजू ने जरूर इस बात को क्लियर किया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि मेहताब लगातार 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं जिससे वो इस पद के लिए योग्य हैं, जबकि सुरेश 1998 और 2004 के चुनाव में पराजित हुए थे। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव 1989, लोकसभा चुनाव 1991, लोकसभा चुनाव 1996 और लोकसभा चुनाव 1999 वे विजयी रहे थे। यही इसके पीछे कारण है और कोई लॉजिक नहीं है। बीच में गैप आने के कारण से उनको नहीं बनाया गया? नहीं, देखिए गैप आना या इस तरीके से नहीं है, जो संख्या देखी जाती है, देखिए अगर आप देख रहे हैं 7 बार का सांसद जीता हुआ तो वो 8 बार के सांसद जीते हुए, जिसमें गैप क्या है मुझे आप बताइए ना, अगर कुछ समय चुनाव नहीं हुए तो जीते हुए तो 8 बार के हैं, 8 बार के आप सांसद को बनाइए ना, दीजिए तवज्जो ने, क्यों नहीं आप देते? पर नहीं, विपक्ष ने अगर कोई नाम दिया, सुझाया कि इसको आप बनाइए, क्यों नहीं बनाते आपको क्यों डर लग रहा है आप बनाइए? पर नहीं, आपको बनाना है कठपुतली, पर कठपुतली अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। स्पीकर का क्या रोल रहेगा? प्रोटेम स्पीकर का क्या रोल रहेगा मुझे ये तो बताएं, जो आप कठपुतली की बात कह रहे हैं, चाहे प्रोटेम जाटव जी चाहे जो, अरे अभी आप बोल नहीं पा रहे थे, आपके कांग्रेस के सांसद तो ये कहते, आज आपके कांग्रेस के सांसद तो ये कह रहे थे गोगोई जी कि जो है वो शेड्यूल कास्ट को बनाते हैं। ठीक है ना, एक बात बताइए ना, अगर आप इस बात का विरोध कर रहे हैं और आप लोग भी जानते हैं कि जो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो तो स्थायी नहीं है, फिर विरोध किस बात का है सर इतना? सुमित जी, जी नहीं देखिए, देखिए स्थाई और अनस्थाई वाली बात नहीं है, सीनियरिटी वाली बात है। क्या आज सांसदों को नहीं लग रहा है जो 8 बार के सांसद हैं उन्हें ये महत्व देना चाहिए था, उन्हें उनके उनको देना चाहिए था, क्यों नहीं आपने दिया? क्यों नहीं दिया? अगर आपको इतना ही है, ठीक है साहब, लोकसभा में आपके पास 240 आपके पास संख्या बल है और 233-234 के पास विपक्ष के पास है, तो आपने विपक्ष की बात क्यों नहीं मांगी? ठीक है, 2-3 दिन का होता है,
सारे सांसदों को शपथ दिलाने का, आपने विपक्ष की क्यों नहीं बात मानी? पर नहीं, इन्हें बात माननी नहीं है, हम भी देखते हैं कि कब तक आप नहीं मानेंगे। इस बार भी आपको जनता जो जो बातें कह रहे हैं सुमित जी, यहाँ पर शांत प्रकाश जी इन बातों पर तो जवाब दे ही दीजिएगा। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि मैं आप ही की बातों का जवाब दे रही हूँ, जो बातें कह रहे हैं इस पर जवाब दीजिए। और इसके साथ ही जयराम रमेश भी आपको दलित विरोधी करार दे रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी सांसद रमेश चंदप्पा जो लगातार सातवीं बार सांसद हैं, उन पर आपने क्यों विचार नहीं किया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सुरेश की तरह ही दलित हैं? मैंने इसका जवाब अभी पहले दिया कि पिछले 2019 चुनाव में वीरेंद्र जी जो हैं, वीरेंद्र कुमार, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं और उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया था। तो इस प्रकार की बातें करने का कोई लॉजिक नहीं है कि उनको क्यों नहीं बनाया। और दूसरा, ये जो मेरे ख्याल में टीएमसी के प्रवक्ता हैं शायद, जो मैं क्योंकि दिखाई नहीं दे पा रहे मुझे जी। तो वो जो हमारे साथ में तीसरे साथी जो है वो टीएमसी के प्रवक्ता है क्या? जी जी, टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा। मैं तो इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि 50 साल पहले जिस वक्त में आज जो आप किताब लेकर के खड़े हुए थे, इस किताब को जब कांग्रेस ने तार तार किया था, इंदिरा जी ने तार तार किया था, उस वक्त में ममता बनर्जी भी उस वक्त में इसकी भुगत भोगी है। आज वो इस चीज के वो जो प्रकरण हुआ था उसके साथ है, आप उसके साथ है क्या? वो जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, आप उसके साथ है क्या? क्या वो ठीक हुआ था? क्या वो संविधान को तार तार किया गया था? उसको कहते हैं संविधान को बदलना, उसको कहते हैं संविधान के साथ छेड़छाड़ करना। आप उस वक्त में खड़े थे, आज उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। आज तो केवल आप जो है सुपरफिशियली खड़े, उस वक्त तो आप बोल नहीं सकते थे, जेल में थे। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उस वक्त में जो संविधान जो इन्होंने धराशायी किया था, खत्म किया था, उस वक्त में जो है ना वो इन्होंने किया था, आज आप उनके साथ खड़े हैं, क्या ये उचित है? आप अपने बच्चों को जवाब देंगे जिसने वाकई संविधान को तार तार किया था? आज उसके झूठे प्रपंच के साथ में आप खड़े हुए हैं। अरे जाटव जी, अगर आप पुरानी बातों को लेकर के अभी भी आप चल रहे हो, पुराना कुछ नहीं है। मैं उस वक्त में सातवीं आठवीं क्लास में था, मैं उस वक्त में स्कूल में पढ़ता था, मेरे जीवन की बात है, मैं उस वक्त का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मेरे ख्याल में आपकी मुझे उम्र का पता नहीं है, मगर आप या आपके पिता भी उस वक्त के प्रत्यक्ष गवाह है। वो बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, वो बहुत पुरानी बात नहीं हुई है। राहुल जी के प्रोजेक्ट में थे, राहुल गांधी जी के बात है, क्योंकि पूरी डिबेट के अंदर। तो इसलिए ठीक है ना, अभी तो संजीव जी ने आपने बताया ना, संविधान को नष्ट करने वाले के साथ में राहुल गांधी इसको स्वीकार कर चुके हैं ना, और वो गलती भी मान चुके हैं। अब उस बात को आप लोग कब तक दोहराते रहेंगे? जो बीत गया उसको कब तक आप मुद्दा बनाते रहेंगे? ये तो हमेशा कब तक भुनाते रहेंगे? आप संविधान तोड़ने वाले के साथ खड़े हुए हैं। आपने जिसने संविधान को तहस नहस किया, देश को आपने इमरजेंसी में झोंक दिया, आप उसके साथ खड़े होकर के जो संविधान की रक्षा पार्टी कर रही है, आप उसके ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कहीं शर्म आती है? आप लोगों को कोई शर्म आती है कहीं पर, जो आप जो है ये संविधान को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं? यही जो है ना, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यही राहुल गांधी जी की जो है ना दादी माँ, इन्होंने संविधान को खंडित किया था। ठीक है सुमित जी, एक लाइन इस पर जवाब दे दीजिए, इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार इस मुद्दे को लगातार शांत प्रकाश जी आप दोहराते जा रहे हैं, क्योंकि 50 साल पुरानी इमरजेंसी को लेकर लगातार बात करते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है कल की घटना है। ठीक है सुमित जी, इनको जवाब दे दीजिए एक लाइन में। कैसे ऐसे कैसे हो सकता है पुरानी घटना हो गई? केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया, इस वजह से वो घटना पुरानी हो जाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने देश के पुरानी चीजों को कब तक दोहराते रहेंगे? लाभ मिलेगा कैसे? अगर कोई लाभ मिलने वाला हो तो बताइए ना शांत जी, अगर कोई लाभ मिलने वाला हो तो ये बताइए। जेल गए थे। अरे ठीक है ना सर, अब आगे के लिए सोचिए ना, आगे क्या करना है? देश को आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की के लिए सोचना है, और भी बहुत विषय है ना, और भी बहुत मुद्दे हैं। संविधान को खंडित करने वाले उस परिवार के साथ खड़े, उस पार्टी के साथ खड़े, क्या बात कर दी?
सुमित जी जवाब दे दीजिए जरा एक लाइन पर, मुझे आगे भी बढ़ना है डिबेट में। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा देश का? सुमित जी एक बात बताइए, आप चिल्लाते चले जा रहे हैं, आप डिबेट में बैठे चिल्लाने बैठे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जिस समय अंग्रेजी का साथ जिस समय संविधान की करने वाली संस्था उस पार्टी के साथ में वो लोग खड़े हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं जी? जाटा जी एक बात ये बताइए, आरएसएस के लोगों ने जिस समय अंग्रेजों का साथ लोगों ने किया है देश के संविधान को खंडित, आप लोगों ने देश के संविधान को जो है उसमें तार तार करा, अरे सर नई संसद है, नई संसद में नई बातें करिए ना, कहां पुरानी चीजों पर आप बड़े हुए हैं अभी तक, आगे बढ़िए सर। तमाम सांसद जेल में थे, ठीक है सुमित जी, क्योंकि पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले के अपने संबोधन में कहा कि देश की जनता पक्ष से संसद की गरिमा बनाए रखने की उम्मीद करती है, ना कि नखरे ड्रामा नारेबाजी और व्यवधान की। उन्होंने कहा कि देश को एक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है, इस पर बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने गए हैं तो संसद को चलाए, देश को आगे बढ़ाने का काम करे, पर आज देश को पीछे धकेलने का काम क्यों करेंगे? आज महंगाई आप देखिए कहाँ चलती चली जा रही है, पेपर बच्चों के पेपर हाउस होते चले जा रहे, बच्चों के भविष्य के संग में खिलवाड़ हो रहा है, किसानों के संग में खिलवाड़ हो रहा है, तो बीएसपी में प्रधानमंत्री जब तीसरी बार बने, नई सरकार बनते ही ये इतना बड़ा घोटाला इनकी सरकार में, वहाँ बिहार में गुजरात के ही लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बच्चों के ऊपर कार्रवाई हो जा रही है, बच्चे आज के बारे में बात करो ना, आज की बैठक के बारे में बात करो, आज जो संसद चला उसके बारे में बात करो ना, बंधु कर लेना सब बातों के बारे में बात, मेरे ये मुद्दे तो उठाएंगे ना सर, क्यों नहीं उठाएंगे मुद्दे, उठाएं बीट का मुद्दा भी उठाएंगे, बाकी मुद्दे भी उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे सर? आज के विषय में बात करें ना, अरे मेरे पहले भी आप उनसे चाहते हैं, एक सेकंड शांत प्रकाश जाटक जी, आप उनसे चाहते हैं कि वो आज के विषय पर बात करें और आप 50 साल पुरानी बातों को लगातार दोहरा रहे हैं इतनी देर से, बिल्कुल परसों के बाद जो चीज आप दूसरों से चाहते हैं पहले खुद पर तो लागू कीजिए ना, उसका भी जवाब, अगर आप आज ही की बात करना चाहते हैं तो आप क्यों 50 साल पुरानी मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं? आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, नहीं आप बताइए सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा तो जो क्या नाम है परीक्षा परीक्षा पेपर लीक के मामले तो राजस्थान में हुए, सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले तो राजस्थान में हुए, पेपर लीक राजस्थान में हुए तो उत्तर प्रदेश में भी होंगे, कांग्रेस का शासन था, नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी होंगे, मतलब अगर अगर कांग्रेस की सरकार में कहीं पेपर लीक हुआ तो बीजेपी शासित राज्यों में भी पेपर लीक होंगे, बराबरी करेंगे क्या? पेपर लीक के लिए आप सरकार को घेर रहे हैं ना, यहाँ भी बराबरी करेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पेपर लीक हुए तो हमारे यहाँ भी होंगे, ये कौन सी बात हुई भला? आप उस पर जो क्या कार्रवाई हुई है उस पर बात करेंगे हम परसों, हाँ। आपको हमारे मंत्री ने जो काम किया है उसके बारे में मालूम पड़ेगा आपको, हर वक्त वो विषय नहीं चलेगा, विषय तो आज वो चलेगा जिसके बारे में आज जो आज पहले दिन हम लोग संसद भवन में पहुंचे और आपने क्यों हमारे नए सांसद जो आपके साथ में आए हैं उनके रास्ते रोके, आपने क्यों आज पहला दिन उनको सेलिब्रेट नहीं करने दिया, क्यों नहीं आपने उन लोगों को जो है ना उस कार्यक्रम में खुशी खुशी जो है शामिल होने दिया, आपने अपनी घटिया राजनीति का उन लोगों को शिकार बनाया, उस संविधान की किताब हाथ में लेकर के जिस संविधान को आपने 50 साल पहले तार तार किया था उनको आपने गुमराह किया, करके भेजा है उन लोगों की आवाज उठाने के लिए आपको संसद में भेजा गया है, वहाँ पर आपको जाकर के खुशी मनाने के लिए नहीं भेजा गया, कोई वेकेशन पे नहीं गए हैं आप लोग कि वहाँ पे जाकर के आपको खुशी खुशी सेलिब्रेट करने दिया जाए, वहाँ पे आप लोगों के मुद्दे उठाने गए हैं तो मुद्दों की बात कीजिए ना, आप उस प्रकार के झूठे और प्रधानमंत्री ने कहा कि आम जन अपेक्षा करता है कि सदन में बहस हो, लोगों को यह अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होता रहे, व्यवधान होता रहे, लोग रोज काम चाहते हैं, नारेबाजी नहीं चाहते, संजीव जी शांत हो जाइए, शांत प्रकाश जी, अरे शांत प्रकाश जी, कम से कम अपने अपने नाम का तो सम्मान रखिए सर, नाम का तो सम्मान रखिए, नाम आपने रखा है शांत प्रकाश और आप चुप होने के लिए तैयार नहीं है इतनी देर से, शांत हो जाइए सर, बोलेंगे और हम लोग ठीक है ना सर, अब सुन लीजिए पूरी डिबेट में आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोगों को मौका देंगे या नहीं? सिर्फ आपको सुनने ही थोड़ी ना आए हैं वो लोग, अपनी बात नहीं कहेंगे क्या? संक्षेप में संजीव जी जवाब बोलने के लिए नहीं है,
अरे इनके शांत हो जाइए, शांत प्रकाश जी, शांत हो जाइए जी। कि 50 साल पुरानी बात तो आपने करी, 10 साल का कार्यकाल भी आपके जीवन का ही कार्यकाल है। आपने 10 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी अपने जीवन काल के अंदर देखा है, तो पिछले 10 साल के कार्यकाल की बात करिए। 10 साल के कार्यकाल में उसी के आधार पर तो हम जीत करके आए, मुद्दे को लेकर के बिल्कुल चुप्पी साध ली। उसी के आधार पर तो हम जीत करके आए हैं, देश की जनता ने उसी के आधार पर हमें जीत करके भेजा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को। इमरजेंसी की आज तीसरी बार हम सरकार जो बनाए हैं वो उसी काम के कारण से बनाया है जो हमने पिछले 10 वर्ष में बैठे हैं। समय नहीं है और समय नहीं दे पाऊंगी आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।